आप जरा सोचिए कि मोदी जी मुख्य पूजा कर रहे हैं, भाई ये चंद्रचूड़ साहब का घर है, उनकी पत्नी का घर है, तो पूजा को कौन लीड करेगा? या तो चंद्रचूड़ करेंगे या उनकी पत्नी करेंगे। आप वो फोटो देख लीजिए, पूजा कौन लीड कर रहा है, और वो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया से सबको सबके सामने आ रहा है कि बाबरी मस्जिद का फैसला करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैं भगवान के सामने चला गया। मस्जिद जब बनाई गई थी वो किसी मंदिर को तोड़कर या मंदिर की जगह पर नहीं बनाई गई थी, नंबर एक उसमें कहा गया। नंबर दो ये कहा गया कि 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को जो 1992 को जो ये मस्जिद ढाई गई वो एक क्रिमिनल एक्ट था, एगेगेरियस क्रिमिनल एक्ट था, और वो जो है उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन फैसला जो लिखता है ये बंदा, ये इसके साथ जो मिलकर जो और मोदी के खास दोस्त थे, मोदी के जो 4-5 और जो जस्टिस थे, इत्तेफाक से जिसमें एक मुसलमान भी था, तो उन्होंने क्या लिखा, लेकिन मंदिर वहीं बनेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर इनका फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड आप टालते रहे टालते रहे टालते रहे, उसके बाद आपने कहा ये सब गलत है, हमने इलीगल, लेकिन इलीगल करार दे दिया, लेकिन उस पर किसी पर कोई सजा नहीं मिलेगी, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। मणिपुर के अंदर बेहिसाब औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और इनके सामने कोलिन गोंसाल्विस निवेदन करते रहे कि आप सेना को भेजने की बात कर दीजिए, इन्होंने कहा कि नहीं, सेना वहां भेजी जाएगी, सेना वहां नहीं भेजी जाएगी। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर चंचूर, जूनियर चंचूर साहब रिटायर्ड हो चुके। रिटायर्ड से पहले थोड़ा सा खुद भी चिंतित थे कि इतिहास हमें कैसे हमारी समीक्षा करे। उनके कार्यकाल में या कहिए तो उनके सहमति से कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए, बाबरी मस्जिद से लेकर और तमाम ईडब्ल्यूएस भी, नीट भी, और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लेकर तमाम इस तरह के निर्णय आए। इतिहास आखिर कैसे करेगा समीक्षा? इतिहास कई बार बड़ा क्रूर होता है, निर्दयी होता है, और जब इतिहास लिखता है, भावी पीढ़ी जब इतिहास लिखेगी तो उनको कितने मार्क्स देगी और कहाँ पे रखेगी? चर्चा आज इसी विषय पर, थोड़ा विलंब हूँ लेकिन 51वें जो मुख्य न्यायाधीश है अन्ना साहब वो अब कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन अपने अंतिम दिनों में चंचूर साहब काफी चर्चा में रहे हैं, और सिर्फ उनको एक ये बात थी कि इतिहास हमें कैसे याद रखेगा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। शम्सुल इस्लाम साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं बतौर न्यायाधीश और बतौर मुख्य न्यायाधीश। कौन कौन से ऐसे फैसले रहे हैं जिनको आप कोट अनकोट ऐतिहासिक कह सकते हैं और जिनकी वजह से इतिहास में उनकी समीक्षा होगी? स्वागत है सर। जय भीम जी, बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतनलाल, ये असल में हम लेट नहीं कर रहे हैं, ये अंबेडकर नामे में हम इसको विलंब नहीं किया है। हम लोगों ने ये तय किया था कि जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। हम बीच में, क्योंकि उनको 2-3 अहम फैसले देने थे, तो वो हम उसका इंतजार करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये काफी अब वक्त है कि हम बहुत ठंडे दिल दिमाग से इस पर उन पर अपनी राय रख सकते हैं। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहूंगा, हिंदुत्ववादी थे, पूंजीवाद के समर्थक थे और ब्राह्मणवादी थे, यानी इस गड़बड़ी हो चंचूड़ जी बड़ा। नहीं, असल में वो अंग्रेजी और हिंदी का दोनों का प्रॉब्लम है, तो उनका नहीं, नाम, चंचूड़ ही लिखे, चंचूड़। चलिए चलिए, चंद्रचूड़ जो है, चंद्रचूड़ साहब जो है, तो वो इसको सही कर लेंगे। तो चंद्रचूड़ साहब जो है वो हिंदुत्ववादी थे, वो ब्राह्मणवादी थे पक्के, और वो पूंजीवाद के समर्थक थे। इसको हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हालांकि इस पर काफी बात अभी हो रही है, जैसे आज मेहता साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत शानदार एडिट पेज पर लिखा है कि उन्होंने किस किस तरह के इंडियन जुडिशरी का सत्यानाश किया, किस तरह से,
और उसके बाद कॉर्डिन गोंसाल्विस साहब का, मेरे प्यारे दोस्तों आपने एक उनका एक वीडियो आया हुआ है जो आपने देखना चाहिए, 18 मिनट का वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखा और वो नहीं सुना तो इसका मतलब है कि इनके जो है, इनके काले करतूत जो हैं उनको हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो हिंदुत्ववादी थे, वो ब्राह्मणवादी थे और वो पूंजीवाद के समर्थक थे, बड़े समर्थक थे। और उन्होंने एक और आरएसएस, शायद मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वो आरएसएस की शाखा में जाते थे नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया, जी बात करते थे, जितना वो बातचीत में कितना सभ्य कितना लिबरल लगते थे और व्यवहार में उसका उल्टा करते थे, तो मुझे कई बार छवि लगती है उनमें मोदी जी की, कि मोदी जी पार्लियामेंट के आगे सिजदा कर रहे हैं, भारत के संविधान को सिजदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम संविधान को बदलेंगे नहीं, हम डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन उन्होंने संविधान के साथ जो कुछ किया उसको हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो बहुत अहम, जो इस देश के खिलाफ, इस देश की जनता के खिलाफ, इस देश की संसदीय मर्यादा के खिलाफ, इस देश का जो न्याय का ढांचा है उसके खिलाफ जो उन्होंने काम किए, जो बहुत गंभीर नुकसान, बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, मैं उसमें एक दो बातें करूंगा। कई साथियों का, कई लोगों का ये राय है कि वो मुसलमान विरोधी थे, वो बिल्कुल माइनॉरिटीज में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उनका जब भी मुद्दा आया या उससे जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट का मामला आया तो उन्होंने बिल्कुल एकदम हिंदुत्ववादी फैसला दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने जो मेहनतकश, जो दबे कुचले हिंदुओं का जहां भी मामला आया उन्होंने उसमें भी उनके खिलाफ फैसले दिए। जैसे मैं सबसे पहले शुरू करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि उन्होंने आखिरी दिनों में एक फैसला दिया निजी संपत्ति को लेकर। ये मेरे प्यारे दोस्तों इस पर चर्चा नहीं हुई, हम लोगों के हलकों में भी चर्चा नहीं हुई और आज भी जो उन पर टिप्पणियां आ रही हैं वो इस, पता नहीं इस जजमेंट के उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने जो इस देश की जो आजादी के बाद की जो लगभग 75 साल की लड़ाई है संपत्ति के अधिकार को सीमित नहीं रहने देना, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराना वर्सेस बनाम संपत्ति का अधिकार, जिसको इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वो सब किया था, तो उस पर जो उन्होंने फैसला दिया था वो सुन लीजिए जनाब। मैंने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है। फैसला देते हुए उन्होंने ये कौन सी तारीख को उन्होंने फैसला दिया जनाब, 5 नवंबर 2024 को, यानी आज है 12 नवंबर, एक हफ्ते पहले उन्होंने ये फैसला दिया। और उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 39B, जिसको एक खास तरह की आइडियोलॉजी जो कृष्णा अय्यर जैसे जज ने जो दी थी वो एक तरह से संकुचित था, वो गलत था। आज भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक निवेश के प्रभुत्व के, सार्वजनिक और निजी निवेश के सह अस्तित्व में परिवर्तित हो गई है। कृष्णा अय्यर दृष्टिकोण में सैद्धांतिक त्रुटि एक कठोर आर्थिक सिद्धांत को प्रस्तुत करता था जो संवैधानिक शासन के लिए विशेष आधार के रूप में निजी संस्थाओं पर अधिक राज्य नियंत्रण की वकालत करता है। भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ से संकेत मिलता है कि संविधान और संविधान के संरक्षक मतदाताओं ने नियमित रूप से एक आर्थिक हठधर्मिता को सत्य के विशेष भंडार के रूप में खारिज कर दिया है। देखिए बड़ा खतरनाक जजमेंट है ये, बड़ा खतरनाक बयान दे रहे हो। एक तो वो ये कह रहे हैं कि समाजवाद के लिए, बराबरी के लिए, कि आप नीति निर्देशक सिद्धांत 39A(b)(c) जिसमें ये कहा गया है कि आप पैसे को एक जगह जमा नहीं होने देंगे, इजारादारी नहीं होने देंगे, आप जो है प्रभुत्व नहीं होने देंगे, आप मर्द औरत को बराबर का वेतन देंगे, आप जो है मोनोपोली कैपिटल की नहीं होने देंगे, आप समाज में इंसान का जो गरिमा है, जो उसकी इज्जत है उसको बनाने के लिए आर्थिक व्यवस्था को चलाएंगे। और ये चीज भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो बात कही गई है जो दुनिया के किसी संविधान में नहीं है, फ्रेटर्निटी का हम लोग कई बार
गलत अनुवाद कर देते हैं भाईचारा या बहनचारा, लेकिन सच्ची बात ये, इसका मतलब है इंसानियत। जब आप एक दूसरे के दर्द में, दूसरे के दुख दर्द में आप शिरकत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, जो दबे कुचले होते हैं उनकी मदद करते हैं, इसको फ्रेटर्निटी कहते हैं। अच्छा, अब जरा सा मैं देखिए, ये जो भी आजादी की लड़ाई के, आजादी के बाद जो लड़ाई लड़ी गई और कृष्णा अय्यर को वो गाली बक रहे हैं, हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है समाजवाद, हमारी प्रस्तावना में समाजवाद लिखा हुआ, और उसको कह रहा है कि वो तो, ये चंद्रचूड़ कह रहा है कि वो तो बिल्कुल वो गलत था, और वो एक तरह से वो जो है पूंजीवाद को राज्य के नियंत्रण में रखने की बात करता था, जबकि बात यह है कि आज सरकारी निजी संपत्ति और जनता की जो संपत्ति है वो मिलकर प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो रहा है, और उसके अंदर जनता ने वोट दे दिया है मोदी को। देखिए कितना कितना एक गलत वो कर रहे हैं कि अगर मतदाताओं ने नियमित रूप से एक आर्थिक हठधर्मिता को सत्य के विशेष भंडार के रूप में खारिज कर दिया है, यानी समाजवादी जो सपना है उसको खारिज कर दिया है, और ये जो है जनता ने वोट दे दिया, यानी कल जनता जो है अगर कोई फासिज्म के हिसाब से किसी को ले आएगी, मोदी को ले आएगी, जो ले आई है वो 2019 के चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव के बाद, तो उसका मतलब है कि आपको संविधान विधान की, न्याय की, भारत के प्रस्तावना की कोई बात करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, मत भूलिए क्या कहा था इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, अंबेडकर नाम है, आपसे बार बार निवेदन करता है कि आप बाबा साहब को पढ़िए, आप डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पढ़िए। 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अंबेडकर को मौका मिला उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1940 को भारत की संविधान सभा में पेश किया था, उसके चार दिन के बाद मिला मौका, और उसमें जो कहा वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, उनके भाषण का मैंने हिंदी अनुवाद किया है। यदि इस प्रस्ताव के पीछे एक वास्तविकता है और एक ईमानदारी है जिसके बारे में मुझे कम से कम संदेह नहीं है, जैसा कि यह संकल्प प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू से आता है, तो मुझे कुछ प्रावधान की उम्मीद करनी चाहिए जिससे यह संभव हो कि राज्य के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को एक वास्तविकता बनाने के लिए, और उस दृष्टिकोण से मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि प्रस्ताव सबसे स्पष्ट शब्दों में बताए कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो सकता है, कैसे हो सकता है, ताकि देश में हो सके तो हमने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और भूमि का राष्ट्रीयकरण करना होगा। और आखिरी सेंटेंस जनाब, मैं, मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, मेरी समझ में नहीं आता कि किसी भी भावी सरकार के लिए कैसे संभव हो सकता है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय करने में विश्वास करती हो, जब तक कि उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था ना हो। सब बम मार दिया इसने, चंद्रचूड़ ने, सब सत्यानाश कर दिया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव का सत्यानाश कर दिया, बाबा साहब जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के संविधान को बनाने में, उसको उन्होंने कहा डायनामाइट कर दिया चंद्रचूड़ ने, और चंद्रचूड़ ने ये कह दिया कि क्योंकि जनता ने भी वोट दे दिया है मोदी की पॉलिसीज को, मोदी की जो अडानी अंबानी प्रस पॉलिसी है उसको दे दिया है, तो हमने ये बिल्कुल सही माना जाएगा। तो सबसे बड़ी गद्दारी जो इन्होंने की है चंद्रचूड़ साहब ने, वो ये है कि उन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई, और आजादी की लड़ाई में जो सपना देखा गया था कि मनुष्य मनुष्य का शोषण नहीं करेगा, मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूं, भगत सिंह ने कहा था हमको आजादी क्यों चाहिए, और उसको हमने अपनी प्रस्तावना में रखा था, उसको आपने उठाकर एक तरफ कर दिया। अच्छा, उसके बाद जरा दूसरी चीजें देखिए कि ये हम आएंगे किस तरह से, ये मुसलमानों के खिलाफ और माइनॉरिटीज के खिलाफ जो उन्होंने मुकदमों से जारी किया, लेकिन उन्होंने इस देश के हिंदुओं के खिलाफ जो किया है पहले भी, उसको आप जान लीजिए, इन्होंने एक फैसला दिया चार धाम मुकदमे के अंदर, चार धाम के का जो मुकदमा है, आप जो दोस्त जानते हैं इकोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, हिमालय दुनिया जो बनी है उसमें सबसे बाद के पहाड़ हैं, वो चट्टान वाले पहाड़ नहीं है, वो मिट्टी के पहाड़ हैं, वो बहुत बोधे पहाड़ हैं, वो बहुत कमजोर पहाड़ हैं, और आप देख रहे हैं कि वहां किस तरह से तमाम
फिसलन होती रहती है, पहाड़ टूटते रहते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं, शहर के शहर खत्म हो चुके हैं। तो इसमें आर्मी का ये कहना था कि हमें पक्की सड़क बनाने दी जाए, हमें पक्की बनाने दी जाए, और वो चार धाम के नाम पर मोदी जी की सरकार ने हमारी डिफेंस को आगे कर दिया था। तो खैर ठीक है, चलिए हमको वो किया जाए। चार धाम पर जाने के लिए 4 लेन 8 लेन सड़क बनाई गई है, और उसने उसने इस देश का जो पहाड़ है, इस देश की जो हमारा उत्तर के और उत्तर पूर्व के जो पहाड़ है, उसके साथ जो तबाही लाएगा उसको कोई नहीं, वो जो नुकसान करेगा चंद्रचूड़ तब नहीं होंगे, लेकिन इस देश को इकोलॉजिकल पूरा डिमोलिशन करने के लिए, मतलब जो तमाम वातावरण है, जो तमाम पहाड़ों को, हिमालय पहाड़ को तोड़ने का सारा इंतजाम ये कर गए। और ये सिर्फ किस लिए कर गए कि आप बेहतरीन गाड़ियों के अंदर, आप SUV के अंदर आप सीधा चार धाम जा सकें, आप जाकर पिकनिक बनाते हुए जाएं, आप उसके बाद वहां पहुंचे, तो जो आप तपस्या करते हैं चार धाम जाने के लिए, जो आप मेहनत करते हैं, वो आपको नहीं करना पड़े। और उसके साथ जो मुझे लगता है कि क्रिटिक्स जो नहीं कह रहे हैं, आलोचक जो नहीं कह रहे हैं, कि वो ठेकेदारों को भी फायदा पहुंचाने का इस फैसले के अंदर सीधा था। और ये ठेकेदार कहां से आते हैं आजकल हमको पता है। आज बड़े बड़े ठेकेदार जो हजारों करोड़ रुपए के ठेके हैं, वो कहां के ठेकेदारों को मिल रहे हैं, हम इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। और उसके बाद जनाब मणिपुर का फैसला, मणिपुर के अंदर बेहिसाब औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और इनके सामने कोलिन गोंसाल्विस निवेदन करते रहे कि आप सेना को भेजने की बात कर दीजिए, इन्होंने कहा कि नहीं, सेना वहां भेजी जाएगी, सेना वहां नहीं भेजी जाएगी। और इनकी एक एक एक, एक, एक कम कम समझ की वजह से जो उन्होंने फैसला नहीं होने दिया, उसका नतीजा हम कल भी बड़े बड़े कत्ल हुए हैं वहां पर, कल भी किस तरह से पुलिस थाने उड़ाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, बच्चियों को मारा जा रहा है, उनको रेप किया जा रहा है, लेकिन इस बंदे ने एक ऐसा फैसला दिया कि हम सेना को लागू नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था, सेना आई, उसके बाद कंट्रोल हुआ। गुजरात के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, उसमें जब सेना पहुंची 2 दिन के बाद, जब वहां पर सारा कंट्रोल हुआ। ये क्यों नहीं सेना को उन्होंने करने दिया? क्योंकि मोदी चाहते थे, RSS चाहती थी कि वहां पर खुला कत्ल होने दिया जाए, और वहां जो ईसाई जो जगह है, जो पूज स्थल है, जो चर्च है, 300 से ज्यादा चर्च वहां जलाए गए। अगर वहां सेना भेज दी जाती तो ये सब नहीं होता। लेकिन इन्होंने मैं ये कहता हूं कि इन्होंने फैसिलिटेट किया है चंद्रचूड़ साहब ने वहां पर जो कत्लेआम है। उसके बाद राइट टू मैरी को इन्होंने एक इस तरह का बना दिया कि नहीं, वो तो हमने राज्य पर छोड़ दिया। तो राज्य तो कल कानून पास करेगा कि ब्राह्मण ब्राह्मणों से शादी करेंगे, ठाकुर ठाकुरों से शादी करेंगे, दलित जो है ऊंची जाति की लड़की से शादी नहीं करेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मान लेगी? यानी सुप्रीम कोर्ट को चंद्रचूड़ ने कितना बौना बना दिया, कितना छोटा करके रख दिया, इतनी इतनी शर्म की बात है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर इनका फैसला, इलेक्ट्रल बॉन्ड आप टालते रहे, उसके बाद आपने कहा ये सब गलत है, हमने इलीगल करार दे दिया, लेकिन उस पर किसी पर कोई सजा नहीं मिलेगी, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। जी अब उसके बाद आ जाइए जो उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ जो किया, धारा 370 के साथ इन्होंने जो किया, धारा 370, बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद का जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर एक अहम बात भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो साथी मुझे जिन्होंने पढ़ा होगा तो बता देंगे कि जब दो बाबरी मस्जिद का फैसला आया 9 नवंबर 1919 को, फैसले के 2 दिन के बाद मैंने लिखा था कि ये बंदा हिंदुत्वादी है, क्योंकि बात ये था कि ये कहा गया था कि उस फैसले को किसी ने नहीं लिखा, छुपा लिया था उन्होंने, लेकिन ये पता लग गया था कि इन्होंने वो फैसला लिखा है। ये जो पांच लोग थे उसमें से एक ये भी थे, फैसला इन्होंने लिखा। सी उस फैसले की एक खास बात ये थी कि उसमें लिखने वाले का नाम नहीं दिया गया, आमतौर पर दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी अधिकार है कि वो छुपा ले, तो ये छुपा लिया, लेकिन ये बात सबको पता लग गई थी कि इन्होंने लिखा है। और ये क्योंकि ये हवाबाजी भी करते हैं, ये काफी काफी मोदी जी की तरह से काफी वाहवाही भी लूटना चाहते हैं, तो ये भी आउट हो गया कि इन्होंने लिखा। देखिए उस फैसले में क्या है, जरा सा मेरे प्यारे दोस्तों उसको
उसको समझ ले हम, और ये चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और ये भारत के संविधान के साथ सत्यानाश करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ वो करेंगे जो एएन रे ने भी नहीं किया था इमरजेंसी के अंदर, ये उतना करेंगे कि जो गोगोई ने भी नहीं किया था, गोगोई ने भी भारत के संविधान के साथ नहीं किया था, भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं किया था, जो ये करेंगे। उस जमाने का आप मेरे लेख और उसके बारे में वो देख सकते हैं। देखिए उसमें क्या कहा गया कि बाबरी मस्जिद जब बनाई गई थी वो किसी मंदिर को तोड़कर या मंदिर की जगह पर नहीं बनाई गई थी, नंबर एक उसमें कहा गया। नंबर दो ये कहा गया कि 6 दिसंबर को जो 1992 को जो ये मस्जिद ढाई गई वो एक क्रिमिनल एक्ट था, एगेगेरियस क्रिमिनल एक्ट था, और वो जो है उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन फैसला जो लिखता है ये बंदा, ये इसके साथ जो मिलकर जो और मोदी के खास दोस्त थे, मोदी के जो 4-5 और जो जस्टिस थे इत्तेफाक से जिसमें एक मुसलमान भी था, तो उन्होंने क्या लिखा, लेकिन मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा जहां मस्जिद थी। अच्छा, और एक शर्मनाक बात देखिए, इसमें निर्मोही अखाड़ा जो है वो बुनियादी मुद्दा ही था, फंडामेंटल मुद्दा ही था, और अगर मंदिर बनाने की बात की किसी को जिम्मेदारी मिलनी थी तो निर्मोही अखाड़े को मिलनी थी। निर्मोही अखाड़े को इन्होंने बाहर कर दिया, जिसको अलाहाबाद हाईकोर्ट दे चुका था उसको कि ये फैसला कर चुकी थी कि निर्मोही अखाड़े को देंगे। उसके बाद उन्होंने VHP को दिया, RSS को दिया, जिसको इसी फैसले में कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को जिन लोगों ने गिराया वो एगेरियस क्रिमिनल एक्ट था। तो ये कितना बड़ा खिलाड़ी है, ये कितना बड़ा खिलाड़ी था। उसके बाद मैं लगातार लिख रहा था, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश के एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं फैजान मुस्तफा साहब से मेरी इस पर बहस भी हुई, फैजान मुस्तफा साहब मेरी बहस हुई क्योंकि उन्होंने उनकी तारीफ के अंदर बहुत जबरदस्त लिखा था। इनकी तारीफ तो पूछिए मत कि ये क्या क्या है, महानतम आदमी है। ये जब ये यूरोप की यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज में भाषण करने जाते हैं तो बताते हैं कि हम सबकी इज्जत करते हैं, सारे धर्मों को हम मानते हैं, हम औरत की बहुत इज्जत करते हैं, हम जो है हम तमाम चीजों का ध्यान रखते हैं। और ये कितना क्या क्या चीजें इन्होंने की हैं उसका आप एक दो उदाहरण आप ये समझ लीजिए। ये बाबरी मस्जिद की बात तो हो गई, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी तो मैं भगवान के सामने चला गया। और जाहिर है वो हिंदू भगवान, हाँ जी हिंदू भगवान के सामने गए, हिंदू भगवान के सामने गए तो ये भगवानों का झगड़ा ये कराएगा, ये भगवानों का झगड़ा हमारा चीफ जस्टिस कराना चाहता था। उसके बाद एक और शर्मनाक बात इन्होंने की कि ये बनारस का मामला सुन रहे थे, वहां जो मंदिर मस्जिद का मामला है उस पर इन्होंने एक और धमाका कर दिया। ज्ञानवापी मॉस का बात ये था कि भारत की संसद ने जब ये राम जन्मभूमि का मामला RSS वाले उठा रहे थे, 1991 में एक एक्ट पास कर दिया था, 1991 के अंदर एक एक्ट पास कर दिया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर कोई भी मामला नहीं उठाया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति बनी रहेगी। इस बंदे ने क्या किया, वो भी खोल दिया दरवाजा, वो भी एक और झगड़े का दरवाजा खोल दिया, वो कह दिया कि नहीं वो लागू नहीं होगा, वो ठीक फैसला नहीं था। तो ये कहा तो एक तरफ कह रहा है संसद की बात मानेंगे हम, दूसरी तरफ ये संसद ने जो कानून बनाया उसको लात मार दे रहे हैं। उसके बाद एक और बहुत शर्मनाक काम किया है जनाब इन्होंने, ये गुजरात गए, ये अभी मैं मूर्ति वो पूजा के लिए मोदी जी को बुलाएंगे, उससे भी भयानक काम ये कर चुके हैं पहले। इन्होंने क्या किया कि ये 6 जनवरी को ये पहुंचे राजकोट में, वहां जुडिशरी का एक बड़ा कम्प्लेक्स इन्होंने इनॉग्रेट किया, और वहां ये आए थे उससे पहले द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर का दर्शन करके। तो वहां मंदिर पर जो इन्होंने केसरिया झंडा लहराता हुआ देखा, वकीलों से कहा वहां वकीलों से, और ये मान शायद ये मानकर चला कि वो सारे वकील हिंदू थे, उसमें मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, बौद्ध वकील भी थे, कहा कि ये जो केसरिया झंडा लहरा रहा है
आपने इसको सारे देश में स्थापित करना है। न्यायपालिका ने इसको इसकी इसके इसके गौरव को स्थापित करना है। जिस बंदे ने तिरंगे झंडे के तहत तिरंगे झंडे के नीचे शपथ लिया वो कह रहा है कि केसरिया झंडा जो आरएसएस का झंडा है, जो हिंदुत्ववादियों का झंडा है, जिस तिरंगा झंडा जिसको आरएसएस वाले मनहूस बोलते हैं, वो कहते हैं इसमें तीन रंग हैं, ये भी आरएसएस का, इसीलिए मैं कहता हूं कि आरएसएस की शाखा से आया बंदा है, ये आरएसएस की शाखा में इसने तिरंगे झंडे को बदनाम करने का किया, तो ये इसने किया। उसके बाद आप जानते हैं कि जो पूजा का दिन था 11 सितंबर 2024 को श्री गणेश चतुर्थी पर, पूजा के लिए इन्होंने अपने घर पर बुलाया 10-12 कैमरा पर्सन के साथ। ये अचानक नहीं हुआ मोदी जी को, और आप जरा सोचिए कि मोदी जी मुख्य पूजा कर रहे हैं, भाई ये चंद्रचूड़ साहब का घर है, उनकी पत्नी का घर है, तो पूजा को कौन लीड करेगा, या तो चंद्रचूड़ करेंगे या उनकी पत्नी करेंगे। आप वो फोटो देख लीजिए पूजा कौन लीड कर रहा है, और वो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया से सबको सबके सामने आ रहा है। तो आप ये किस तरह के आदमी हैं, क्या ये करना चाहते थे, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने रिजर्वेशन को लेके दो बहुत शर्मनाक फैसले दिए। एक फैसला जब उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन मिलेगी, तो आप तो रिजर्वेशन का जो बुनियादी आधार है, जो बुनियादी चीज है, उसको आपने काट दिया। ये जो है हजारों साल से जिस वर्ग के साथ, जिस बहुजनों के साथ, शूद्रों के साथ जो कुछ हो रहा था, उसकी भरपाई करने के लिए ये हुआ था, तो इन्होंने उसको कर दिया। उसके बाद रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन, अरे भाई अगर आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक आधार पर देना है, अगर आपको लग रहा है कैटेगराइजेशन करके ओबीसी को देना है, दूसरे लोगों को देना है, एससी एसटी के अंदर दूसरी कैटेगरीज को देना है, तो आप 50% से 75% कर दो ना रिजर्वेशन। क्यों आपने 50% किया हुआ है, बढ़ा दो उसको। लेकिन एससी एसटी को जो मिल रहा है उससे क्यों, उसको क्यों छीनना चाहते हो आप। अगली बात मैं कह रहा हूं, अगर आपको इतनी चिंता है सारे लोगों की नौकरी की, तो आप काम करने का अधिकार दे दो। और किसके बारे में कर रहे हैं, देखिए चंद्रचूड़ भी जानते हैं कि नौकरियां नहीं है, सारा हमने कंट्रैक्ट बेसिस पर कर दिया है, ये आप जानते हैं, इसको हम लोग कई बार पहले कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं कि 2024 के अंदर ओबीसी की 7874 जॉब में से 3367 खाली है, ये सरकारी आंकड़ा है। एससी के 6351 में से 3336 खाली है। एसटी के 3378 में से 1874 खाली हैं। तो जॉब तो है नहीं, रिजर्वेशन तो एक झुंझुना लेके आप घूमते रहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप रिजर्वेशन के खत्म करने के लिए जो हमारा पूना पैक्ट हुआ था 1928 के अंदर, आप उसकी जो मर्यादा है उसको जो उसको खत्म करने के लिए आप इसको कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है बताइए। अच्छा एक और चीज है, मोदी जी के ये खास दोस्त थे और मोदी जी के कहने पर इन्होंने ये सारे काम किए हैं। ये जब 2019 के अंदर बाबरी मस्जिद का फैसला दे रहे थे, तब भी उन्होंने ये करना था। आपको अगर याद होगा, मोदी जी ने 2 दिन पहले जजमेंट से पहले कहा कि इंतजार करो सब सही हो जाएगा। मोदी जी का बयान जाके पढ़ लीजिए, 7 जून फैसले के 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि आप 2 दिन इंतजार करिए सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाने का मतलब है कि वो जो है आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो अभी मुझे लग रहा है कि लोगों की समझ में आ रहा है। आप जैसा मैंने कहा कि मेहता जी का आपको जरूर पढ़ना चाहिए एट इंडियन एक्सप्रेस में, आपने कोलिन गोंसाल्विस जी का पढ़ना चाहिए, लेकिन जो नुकसान किया जा चुका सुप्रीम कोर्ट का, जो अच्छा उसके बाद यूएपीए को लेकर जो इन्होंने किया है, अरुण गोस्वामी को, अरुण क्या नाम है उसका, अरुण गोस्वामी उपाध्याय जी, वो जो पत्रकार है उपाध्याय, नहीं नहीं गोस्वामी अर्नब अर्नब गोस्वामी,
कह रहा है बंदा कि मैंने अर्नब गोस्वामी और खालिद उमर खालिद को एक ही पेडेस्टल पर रखा है। अर्नब बाहर है, अर्नब ना सारे धंधे कर रहा है देश को तोड़ने की, और ये जो उमर खालिद अभी भी अंदर है, पूरे के पूरे इन्होंने इन्होंने इसको देखा कि कोई भी मोदी को कोई परेशानी नहीं हो, मोदी की मोदी का जो है कि सारे विरोधियों को आप मार देंगे। आप आपने किस तरह से तमाम जो कोरेगांव केस के जो तमाम थे लोग उसके अंदर मर गए, किस तरह से जब जब हमारे साईं बाबा जब मरने के करीब थे जब उनको उनको छोड़ा गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुसोलिनी ने उस वक्त छोड़ा था जो इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, कि जब लगभग उनका जान निकलने वाली थी तो उसके बाद उन्होंने उनको उनको छोड़ा था, बिल्कुल इसी तरह से साईं बाबा के साथ ये किया गया। तो ये बंदा जो है इस न्यायपालिका में इतने आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, इतने आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं कि ये देश उनसे बच पाएगा, ये संविधान बच पाएगा बहुत मुश्किल लगता है डॉक्टर रतनलाल जी। चलिए शुक्रिया सर, आपने तो पूरा व्यापक विश्लेषण कर दिया इस वीडियो में। लेकिन इतिहास देखिए, इतिहास में मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अगर हिटलर मुसोलिनी आया तो क्या हालत हुई बाद में, ये भी आपने देखा। जर्मनी फिर एक हुआ, तो क्या होगा नहीं होगा तो इतिहास कैसे समीक्षा करेगा, क्योंकि समीक्षा तो उन्होंने भी कर दी, जस्टिस जिन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार कब्जे में कर सकती है, जो 77 का जजमेंट था उसकी समीक्षा तो चंचूर साहब ने कर दी और बहुत सारे जजमेंट की समीक्षा कर दी। और एक जस्टिस नागरत्ना ने अपने जजमेंट में लिखा कि इतिहास शायद हमारे हमारे निर्णय को भी समीक्षा करेगा जी, तो जाहिर है समीक्षा तो होगी। अच्छा डॉक्टर रतनलाल जी, एक चीज हम अपने सुनने वालों को जरूर बताएं कि जब हम संपत्ति राज्य को लेनी चाहिए तो हम किस संपत्ति की बात कर रहे हैं, जिसको आप लूटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये संपत्ति का मतलब आपका घर मेरा घर नहीं है। एग्जैक्टली जैसे प्रिवी पर्स का खत्म किया जाना, जमींदारी उन्मूलन, बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये सब सार्वजनिक हित में काम किए गए थे, गरीबों के पक्ष में, आम जनता के पक्ष में काम किए गए थे। जमीन सेज बनाकर कोई पूंजीपतियों को नहीं दी जा रही थी उस सब, आज वही सब उल्टा हो रहा है। तो बहुत शानदार बड़े बड़े चीफ जस्टिस और मालिक रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये देश जिंदा रहेगा, इस देश के बहुजन जिंदा रहेंगे, और ये लोग सारे लोग जो इसके खिलाफ साजिशें कर बड़े पदों पर बैठे और साजिश कर रहे हैं, ये डस्टबिन में जाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया सर, देखते रहिए अंबेडकर, शुक्रिया, थैंक यू सर।